नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तबर आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण आसन लेकर आया हूँ हठ योग ग्रंथ के अनुसार, जिसका नाम है कुरुम आसन। कुरुम का अर्थ होता है कछुआ, संस्कृत में कुरुम बोलते हैं और हिंदी में इसको कछुआ बोलते हैं। तो चलिए इसकी विधि जानेंगे, उसके बाद इसके समय अवधि, लाभ, सावधानी। तो इस तरीके से घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले आप विधि देख रहे हैं, उसके बाद पैरों को इस तरीके से बाहर की ओर खोलेंगे। अब इस तरीके से आप पीछे से मुद्रा देखेंगे। अब पैरों को क्या करना है, आपको एक दूसरे के ऊपर रख लीजिएगा। पैर जैसे कछुए के बाहर रहते हैं, वैसे आपके पंजे बाहर की ओर रहेंगे और पंजों के ऊपर आप बैठ जाइएगा। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। अभी आप देख रहे हैं कुरुमासन। इसकी समय अवधि होती है 10 सेकंड से लेकर आप 2 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। लाभ ये होते हैं, इससे आपका जो है मानसिक तनाव कम होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, आपका मन स्थिर हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और बहुत ही लाभदायक है। अगर मन को स्थिर रखना है, शांत रखना है, तो ये आसन बहुत ही लाभदायक। सावधानी ये रखना है, अगर आपको घुटने में दर्द है तो उस समय इसका अभ्यास ना करें, या तो फिर आपके टखने में दर्द है या सूजन है तो उस समय इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि आपके तकलीफ बढ़ सकती है। तो ये था कुरुमासन, इसको आप नियमित रूप से कीजिएगा, ये बहुत ही लाभदायक है, मन को स्थिर करता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हठ योग ग्रंथ के अनुसार है, जैसे कछुआ अपने पैरों को, हाथों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही आपको अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने बस में रखना है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।